हम किसानों की आत्मा खेती में बसती है और एक एफपीओ की कोशिश हमेशा इस खेती को बेहतर करने की होती है। टीजी ऑफिसर ऐप भी इसका एक माध्यम है जो न केवल एफपीओ को किसानों से जोड़ता है बल्कि उनके काम को आसान भी बनाता है। यहां एफपीओ को उन किसानों की खेती से जुड़ी सारी जानकारी एक जगह मिलती है जो इससे जुड़े होते हैं, उनके कटे हुए फसल से लेकर कटने वाले फसलों तक की सारी जानकारी। एक तरफ इस जानकारी का प्रयोग एपीओ अपने फसल को बड़े व्यापारियों को बेचने के लिए करता है, वहीं दूसरी तरफ इस जानकारी का उपयोग कर किसानों को समय से पहले खाद तथा बीज उपलब्ध करा दी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको इस ऐप के प्रयोग से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ टीजी स्पेस ओ एफ एफ आई सी ई आर लिखकर एंटर दबाएं। अब यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करें, कुछ ही देर में यह ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखें। यहाँ पासवर्ड में अपने नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिखें। इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करें, यहाँ अलाउ पर क्लिक करें। पीजी ऑफिसर का होम स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ऊपर होम के बगल में बने तीन लाइन पर क्लिक कर आप अपने उत्पादक समूह की पूरी जानकारी देख सकते हैं। नए किसान को जोड़ने के लिए यहाँ नया किसान जोड़े पर क्लिक करें। अब आप जिस किसान को जोड़ना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिखें, यहाँ उसका फोन नंबर लिखें, लिंग के अनुसार पुरुष महिला या अन्य पर क्लिक करें। जिस फसल की जानकारी देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिखें। खेत की माप की जानकारी एकड़ में यहाँ लिखकर ऐड पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ सुरक्षित करें पर क्लिक कर इसे सेव करें। किसान के जुड़ते ही आपको मुबारक हो किसान जुड़ गया है का ये मैसेज दिखाई देगा। जानकारी गलत होने पर यहाँ क्लिक कर उसे एडिट कर सकते हैं। उत्पादन से जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। इसके बाद जानकारी जोड़े पर क्लिक कर आप अपने फसल से जुड़ी जानकारी तथा आकलन को लिखें, जैसे यहाँ स्वयं के उपयोग हेतु आपको कितना चाहिए, एफपीओ को आप कितना बेचेंगे तथा कुछ अन्य काम के लिए कितना जरूरत है। उस फसल की कटाई के अनुमानित तिथि को आप यहाँ लिखें। इसके बाद सुरक्षित पर क्लिक करें। दूसरी या नई फसल को जोड़ने के लिए आप यहाँ क्लिक करें। पहले के जैसे ही यहाँ फसल का चुनाव करें, यहाँ क्षेत्रफल का और यहाँ उसके आवंटन एवं अनुमानित तिथि को लिखें। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करते ही आपके इस फसल की जानकारी इससे जुड़ जाएगी। दूसरी फसल जुड़ने के बाद भी आपको यह मुबारकबाद का मैसेज दिखाई देगा। इसी प्रकार आप यहां से कई अन्य फसलों को भी जोड़ सकते हैं। जोड़े हुए फसल की उत्पादन से जुड़ी सारी जानकारी आप यहां क्लिक कर देख सकते हैं। जानकारी गलत होने पर यहां क्लिक कर उसे एडिट कर सकते हैं। इनपुट अर्थात कृषि में उपयोग होने वाला उत्पाद जैसे बीज खाद खेती के उपकरण इत्यादि की जानकारी देने के लिए यहाँ क्लिक करें। वस्तु वर्ग में आप जो जानकारी देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें, यहाँ उस फसल का नाम सेलेक्ट करें तथा यहाँ उसकी मात्रा लिखने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करें। अब इसे सेव करने के लिए सुरक्षित करें पर क्लिक करें। यहाँ प्लस पर क्लिक कर आप दूसरे इनपुट को भी ठीक उसी तरह जोड़े जैसे पहले को जोड़ा था। यहाँ तीन लाइन पर क्लिक करने के बाद होम पर क्लिक कर आप अपने स्क्रीन पर किसानों से जुड़ी सभी जानकारियों का सारांश देख सकते हैं। वापिस यहाँ आपके किसानों की सूची पर क्लिक कर आप इससे जुड़े किसानों का नाम देख सकते हैं तथा जिसके बारे में जानकारी लेनी है उसके नाम पर क्लिक कर यहाँ उपलब्ध उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। अकाउंट सेटिंग में जाकर अगर आप चाहें तो इस लॉगआउट पर क्लिक कर इस ग्रुप से बाहर हो सकते हैं। इस ऐप को और बेहतर बनाने के लिए समय समय पर इसमें बदलाव किया जाता है, जिसकी सूचना मिलने पर
आप वापस प्ले स्टोर में जाकर यहां अपडेट पर क्लिक कर इसे अपडेट करें। धन्यवाद।